Bismillahirrahmanirrahim. Adab ho Khizr Abbas aur do hafte qabl ghar se nikalne wali Kawal Matloob abhi tak ghar ko nahi loti. Nazreen ye waqia hai tehsil Daryal ki Union Council Khattar ka jahan pe taqriban aaj se do hafte qabl yani ki 8 November ki sham 4 baje ghar se nikalne wali Kawal Matloob abhi tak ghar ko nahi loti. Nazreen Kawal Matloob ke walid intiqal kar chuke walida gham se nadal hai aur intihai pareshan hai logon se haaye duae kar rahi hai ki meri bachchi ko mujhe lota do. 13 साला कवल मतलब पांचवी जमात की तालिबा है और सब्जी फरूट के लिए घर से निकली थी लेकिन अभी तक घर को नहीं लौटी. सवालिया निशान है इंतजामिया के लिए लेकिन उससे भी बड़ा सवालिया निशान है इस हुकूमत के लिए जिसका किसी कोई रुकन जिसका कोई नुमाइंदा अभी तक वर्सा की दादरसी के लिए नहीं. यहाँ अलबत्ता इंतजामिया की जानब से डी आई जी मीरपुर डिवीजन चौधरी सज्जाद वहाँ पे पहुंचे जरूर है. उन्होंने उनको यकीन दहानी भी करवाई है कि आपका मामला जल्द हल कर लिया जाएगा. मुगविया को बहुत जल्द बाजियाब भी करवा लिया जाएगा. लेकिन नाजरीन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर नजर लग गई कि ये सब हो रहा है लेकिन इसके अलावा भी एक तश्वीशनाक बात यह है कि वह डडियाल आज़ाद कश्मीर के अंदर गैर रियासती बाशिंदों की तादाद भी बढ़ रही है जिसके ऊपर डी आई जी मीरपुर डिवीजन ने यह बयान भी दिया कि हम तमाम लोगों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं हमारे 57 करें ताकि इन लोगों को रजिस्टर्ड किया जा सके. आखिर ये सब क्या हो रहा है और ये इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और बगैर रजिस्ट्री के यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये एक सवालिया निशाना इंतजामिया के लिए जो आज डेटा इकट्ठा किया जा रहा है. इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि इसकी भी एक कड़ी जो है वो कवल मतलूब के साथ मिलती हो. लेकिन ये तमाम चीज़ें तभी सामने आएंगी जब इंतजामिया हरकत करेगी. इंतजामिया बाज़ाहिर बयानबाजी की हद तक तो ये कह रही है कि हम सरदर की बाजी लगा रहे हैं लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा. लोग परेशान हैं लोग गमजदा हैं लोग कह रहे हैं कि आज एक कवल मतलूब है कल ऐसी हजारों कवल मतलूब होंगी लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर ये सिलसिला अगर चल पड़ा तो फिर शायद रुक नहीं पाएगा. ये तमाम चीज़ें ये तमाम सवाल आते हैं कि आखिर इंतजामिया को कानून जो है वो नाफज करने वाले जो इदारे हैं जो हुकूमती मशीनरी है वो क्यों एक गरीब के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही. लोग इसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये एक गरीब की बच्ची है इसलिए अगर ये इसकी जगह एक अमीर की बच्ची होती तो आज हुकूमती मशीनरी अलर्ट होती प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो एक्टिव होती और आज ये सब हो चुका होता. लेकिन शायद ये एक गरीब की बच्ची है शायद ये एक बेवा की बच्ची है शायद एक यतीम बच्ची है जिसकी वजह से ये सब नहीं हो रहा. बहरहाल उसकी वालिदा बहुत परेशान है. उसने एक निजी टीवी चैनल के साथ उसकी वालिदा ने बात करते हुए क्या कहा आइए वो भी आपको सुनवा. जिस बंदे को भी थे दी जड़ा चोरी देन मणि ती कार चाटी इस मामा सोखियां नहीं होनियां ने बड़ियां होकियां मैं 10 दिन बर्दाश्त कर रहा मैं मुड़ी मुड़ी पुलिस ने मुंह दा तकड़ी